तो यहाँ पे हमारे पास जो टर्म्स है वो क्या है डी एक्स डी वाई एंड डी तो ये कब यूज़ होती है सैमल्टेनियस इक्वेशंस uh, में जब हम यूज़ करते हैं क्रैमर्स रूल का क्रैमर्स रूल ठीक है क्रैमर्स रूल क्या कहता है कि सपोज़ हमारे पास कोई भी दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल टू सी वन एंड ए टू एक्स प्लस में बी टू वाई इक्वल टू सी टू ये कोई भी दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं ठीक है तो इन दोनों को सॉल्व करके एक्स एंड वाई की वैल्यू किस तरह निकालेंगे हम हम निकालेंगे पहले तीन डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू डी डी एक्स एंड डी वाई ठीक है तो डी क्या होगा डी होगा डिटर्मिनेंट ऑफ कॉफिशेंट्स ऑफ एक्स एंड वाई तो ए वन ए टू एंड बी वन बी टू इसका डिटर्मिनेंट डी एक्स क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ द कॉन्सटेंट्स एंड द कॉफिशेंट ऑफ वाई बी वन बी टू ठीक है डीवाई क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ द कॉफिशियंट ऑफ एक्स ए वन ए टू एंड दी c2 सी वन सी टू ठीक है तो इन तीनों डिटर्मिनेंट्स को निकालने के बाद एक्स की क्या वैल्यू होती है एक्स की वैल्यू होती है डी एक्स अपॉन में डी एंड वाई की वैल्यू होती है डी वाई अपॉन में डी ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास डीएक्स गिवन है डीवाई गिवन है एंड डी गिवन है तो हम डायरेक्टली एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकाल लेते हैं तो डी एक्स की वैल्यू गिवन है माइनस फोर्टीन एंड डी की वैल्यू की बना माइनस थर्टी फाइव ठीक है तो माइनस से माइनस कैंसिल और सेवन से कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा टू फाइव है और ये टू पे तो एक्स की वैल्यू क्या बनी टू अपॉन में फाइव ठीक है अब यहाँ पे डी वाई की वैल्यू क्या है? की बने क्वेश्चन में डी वाई की वैल्यू की बने सेवन अपॉन में डी की वैल्यू में माइनस थर्टी फाइव तो कैंसिल करेंगे तो यहाँ फाइव बचेगा तो वाई की वैल्यू क्या बनी माइनस वन अपॉन में फाइव ठीक है तो हमारा आंसर क्या है टू अपॉन फाइव एंड माइनस वन अपॉन में फाइव ठीक है क्लास सिक्स से ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स, आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर।